हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम सोलर। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यूटीएल की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। तो फ्रेंड, आपके सामने जो यूटीएल की 6.5 kg की वॉशिंग मशीन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसका लुक वेरी ही अट्रैक्टिव है। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूटीएल की 8.5 kg के वॉशिंग मशीन के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यूटीएल के 6.5 kg के वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारा यूटीएल का 6.5 kg का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो फ्रंट से देखने पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, और साइड में देखेंगे तो एक पाइप मिल जाता है, जिसकी सहायता से इसमें भरे हुए पानी को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके इनलेट, आउटलेट, वाटर होस कनेक्टर व इसके कंट्रोल पैनल को हम जानते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पिन इनलेट, मतलब कि जो आपकी स्पिन वाली केबिन है उसमें वाटर को इन करने के लिए आप स्पिन इनलेट का प्रयोग करेंगे। साइड में आपको स्पिन टाइमर मिल जाता है, जहाँ से आप डिजायर टाइम को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 5 मिनट। उसके बाद आपको ड्रेन सेलेक्टर मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप टब का पानी निकाल भी सकते हैं, वह वॉश करने के लिए या खंगालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बजर मिल जाता है, बजर के बाद आपका वॉश टाइमर है, जहाँ से आप सॉकिंग, धुलाई या खंगालने के लिए आप यहाँ से डिजायर्ड टाइम सेट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पे वॉश इनलेट मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप वॉश टब में आसानी से पानी भर सकते हैं। और बैक साइड में आपको यहाँ पे AC केबल मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप वॉशिंग मशीन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें वॉश मोटर का जो रेटेड पावर है वह 300 वाट, और इसमें स्पिन मोटर की रेटेड पावर है 160 वाट, और जो इसका नेट वेट है वह 23 kg लगभग। ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।